हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वड़ा पाव की चटनी। वड़ा पाव की चटनी इतनी टेस्टी होती है कि जब भी हम वड़ा पाव के ऊपर उसे लगा के खाते हैं तो वड़ा पाव का जो स्वाद होता है वो दुगना हो जाता है। जब भी ठेले वाले के पास में हम जाते हैं वड़ा पाव खाने के लिए तो वहाँ पर ये चटनी पाव के ऊपर स्प्रेड करके हमें दी जाती है। ये ड्राई चटनी बनती कैसे है बहुत से लोगों को पता नहीं होती, तो यही चटनी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ये चटनी बहुत ही यूज़फुल है, ये आप डोसा उत्तप्पा के ऊपर स्प्रेड करके खा सकते हो। चपाती के अंदर अगर डाल के इसे बनाओगे तो इसके रोल भी बन जाते हैं। दाल चावल के साथ में भी टेस्टी लगती है और बहुत से पकौड़ों के साथ में भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे मल्टीपर्पज़ चटनी भी कह सकते हो। तो आइए फिर देखते हैं इसकी रेसिपी। आपने अभी भी नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ इसमें पकौड़े डाल दिए हैं, पकौड़ों के साथ में छोटे छोटे डॉट्स भी डाल दिए हैं बूंदी की तरह। ये पकौड़ों के साथ में ये डॉट्स भी अपने आप फ्राई हो जाएंगे और इसी डॉट से हमें बनाना है चटनी। पकौड़ों के साथ में चटनी बनाने के लिए इसके साइड में छोटी छोटी बूंदी डालते जाना हाथ से, उसे अच्छे से करारा होने तक फ्राई कर लेना है हमें। साथ साथ ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। मैंने पकौड़े निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो इसी तरह से साइड की बूंदी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और ये बचे हुए जो बूंदी जैसे डॉट्स रहते हैं इसे भी हमें अच्छे से निकाल के अलग से एक प्लेट में रखना है। इसी से हम चटनी बनाएंगे। ठेले वाले भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करते हैं, जब भी वो पकौड़े फ्राई करते हैं तो उनके पास में भी ऐसी ढेर सारी बूंदी बच जाती है, तो वो भी इसी से चटनी बना के वड़ा पाव के ऊपर लगा देते हैं। आप देख सकते हो मैंने एक टिश्यू पेपर के ऊपर इसे निकाल दिया है। अभी अगर वड़े नहीं है आपके पास में फ्राई करने के लिए, पकौड़े नहीं है, तो भी इस घोल से आप उसकी बूंदी निकाल सकते हो। जो बचा हुआ घोल रहता है उसके भी आप ये बूंदी निकाल सकते हो और चटनी बना सकते हो। इसी तरह से मैंने आपको दिखा दिया है हाथ से कैसे बूंदी डालना है। इसी तरह से जितना भी अपना घोल बचा हुआ है सारी बूंदी हम निकाल लेंगे। अगर चाहे तो आप छलनी के साथ में ये छलनी यूज़ करके भी आप ये बूंदी निकाल सकते हो, लेकिन याद रखना ये करारा होना चाहिए, बहुत ही क्रंची होना चाहिए, तभी चटनी अच्छी बनेगी। इसी तरह से सारी बूंदी मैंने यहाँ पे निकाल ली है। अब हमें एक बड़ी सी थाली लेना है, उसमें डाल देना है टिश्यूज। एक चार पांच लेयर में हमें टिश्यूज इसके ऊपर फैलाना है अच्छे से और सारी बूंदी इसके ऊपर स्प्रेड करनी है। अच्छे से फैला के इसमें डाल देना है ताकि जो भी एक्सेस ऑयल रहता है बूंदी में वो पूरा निकल जाए। अगर बूंदी में का ऑयल नहीं निकलेगा तो आपकी चटनी पूरी तरह से चिपचिपी बनेगी। मैंने पहले भी टिश्यू डाल रखा था, उसके ऊपर बहुत सा ऑयल लग चुका है। अभी नेक्स्ट टाइम में भी मैंने टिश्यूज डाल के इसे अच्छे से फैला दिया है। अभी 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं ताकि पूरा ऑयल टिश्यू पेपर खींच ले। आप देख सकते हो पूरा ऑयल टिश्यू पेपर ने खींच लिया है। अब बनाएंगे हम इसकी चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक जार, उसमें डाल दिए हैं 10-15 लहसुन की कलियाँ। लहसुन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जितना लहसुन डालोगे उतनी चटनी अच्छी बनेगी। अब आपको जितना चटनी बनाना है उसी क्वांटिटी में हमें इसमें बूंदी डालना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। मैंने एक टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। इसमें एक टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर डाल दी है। आप रेड चिल्ली पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के अनुसार। अब अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे नमक भी ऐड कर देना है हमें। जो बेसन का घोल बना रहता है उसमें भी नमक होता है, तो याद रखें नमक थोड़ा कम ही ऐड करें इसमें। चटनी को दरदरा पीसना है, इसलिए मिक्सी को ऑन ऑफ करके ही हमें इसे पीसना है। आप देख सकते हो मैंने इसे दरदरा पीसा है, बहुत ही सुंदर कलर आया है। ये मल्टीपर्पज चटनी आप किसी भी चीज़ों के साथ में खा सकते हो, यूज कर सकते हो। ये बहुत काम की चटनी है, बहुत से आइटम में यूज किया जा सकता है इसका। अगर जब भी आप पकौड़े बनाओगे आपका जो बेसन का घोल बच जाता है उससे ये हमेशा चटनी आप बना सकते हो।
आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है, उतनी ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपको ये चटनी कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे वीडियोस को शेयर, कमेंट और लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।